भाइयों राम राम। नमस्कार, जुगाड़ू किसान में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसा जुगाड़ दिखाते हैं जो गांव में चलता फिरता जुगाड़ है, जिसको गांव में चलता फिरता जुगाड़ कहते हैं। ये भाई हैं, देखो एक इनका जुगाड़ देखते हैं ये क्या करते हैं। भाई क्या नाम है तुम्हारा? इसाक नाम है जी। अच्छा भाई, क्या काम करते हो आप? चैन लगाने का काम है। चैन लगाने का? अच्छा, गाँव कौन सा है भाई अपना? इकोंदा। अच्छा, बहुत बड़े काम है भाई तुम्हारा। सारा काम इसी बाइक से करते हो जी? चैन लगाते हो और क्या क्या काम करते हो भाई? चैन हो गई काम है टोटल। अच्छा, मतलब पैंट में हर चीज में लग जाएगी पैंट, किसी भी चीज की हो, किसी भी चीज में जी। बैग में हो, किसी भी चीज में, घर पे, मतलब गांव में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं, बिल्कुल सब काम यहीं, सब काम घर बैठे, लड़के बुन के सब काम यहीं पे होगा। हाँ, ये देखो भाइयों, सारा काम घर बैठे। इसको बजाना, ये माइक भी लगा रखा है जी। बजाना इसको, क्या बोलता है देखो भाइयों। लो भाई आ गए, पर्स, जैकेट, बैग में चैन लगाने वाले, आइए हमारी चलती फिरती दुकान पर। और अभी बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, चलने दो पूरा। कैसा ही बैग हो, पर्स, जैकेट, जर्सी, फ्रॉक, ट्राई बैग में चैन लगवाइए, जीन्स पैंट में बटन लगवाइए, सिविल पैंट में हुक लगवाइए, बैग में लॉक लगवाइए। आपका कई दिनों से लोवर खराब है, चैन के बिना पहन नहीं पा रहे हैं, तो लोवर में अभी चैन लगवाइए। यानी सभी तरह के बैग, अटैची, पर्स, जैकेट, जर्सी, फ्रॉक, ट्राई बैग, जीन्स पैंट, सिविल पैंट, इन सभी में चैन लगाई जा रही है। लेकर आइए हमारे पास, पर्स, जैकेट, बैग में चैन लगाने वाले ले आइए हमारी चलती फिरती दुकान पर। और अभी, जी हाँ, अभी चैन लगवाइए। कैसा ही बैग हो, पर्स, जैकेट, जर्सी, फ्रॉक, ट्राई बैग, जी हाँ, इन सभी में चैन लगवाइए। और अगर अभी आपके यहाँ बैग, अटैची या किसी भी तरह का जिसमें चैन लगी है, या किसी, भाई साहब, बहन जी, माता जी, क्या आपके यहाँ बैग खराब, सारा सामान इसी में रखा हुआ है, वजह से आपको एक चैन कितने मिनट में लगा देते हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। जी हाँ, हमारे पास बैग लेकर आइए, उसमें चैन लगवाइए। बहुत बढ़िया काम है भाई तुम्हारा, तो बैठो बाइक पे और गांव में, गांव वालों को भी सुविधा है भाई इस चीज़ से, गांव वालों को बहुत सुविधा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे सारा काम हो रहा है। ठीक है भाई, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। ओके भैया।